रश्मि, जब से तुम इस घर में आई हो ना, इस घर में रौनक ही रौनक आ गई है। और पिताजी के चेहरे पे तो अलग सी चमक आ गई है। और छोटा, उसका तो पूछो ही मत, दिन भर भाभी भाभी करता रहता है। और तुम तो मेरा काम जानती हो, 2 महीने घर से बाहर और 1-2 दिन घर पर, इन दोनों की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। अब तुम आ गई हो ना, अब तुम इन दोनों को ध्यान रखना। आप टेंशन ना लो, इन दोनों का देखभाल मैं बहुत अच्छे से करूँगी। लेकिन हमारी कमी कौन पूरी करेगा? तुम्हारी कमी पूरी करने के लिए मैं हूँ ना। पापा तो एकदम ठीक है सर जी। हाँ जी, नहीं भैया है एक भी। भैया, अरे वो भैया खुराना सर का कॉल है। अच्छा भैया, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। हेलो। हाँ सर। जी सर। नहीं नहीं सर, उनका माल अभी गया नहीं है, वो एक्चुअली शादी की वजह से थोड़ा माल उनका डिले हो गया है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा सर, मैं आज शाम को ही निकल जाऊंगा। हाँ सर, उनका माल कल मॉर्निंग में मैं डिलीवर करवा दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले सर। जी सर। ओके सर। पिताजी, मुझे अभी निकलना होगा, और क्योंकि शादी की वजह से काफी सारे काम पेंडिंग छोड़े थे, और उन्होंने कहा कि आ जाओ, अब काम का प्रेशर इतना है तो मैं ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं समझता हूँ तेरी बात, ठीक है। और अपना काम जिम्मेवारी से करना, और यहाँ का बिल्कुल फिक्र मत करना। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा, जा और ध्यान से जाना। हाँ हाँ, नहीं मैं पैकिंग कर लेता हूँ फिर निकलता हूँ। ठीक है, ठीक ठीक, जाओ। नाराज हो तुम? अरे मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा, अगर मुझे वो माल नहीं भेजना होता ना तो मैंने तो 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी। देखो रश्मि, मुझ पे कुछ जिम्मेदारियां हैं, पिताजी की और छोटे की, तो तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? हम्म, चलो अब मुस्कुरा दो, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। तू चल, मैं आता हूं। अच्छा अब मैं चलता हूं।
मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हेलो, फोन करो, क्या कर रहे हो? हेलो बाबूजी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबू, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ सर, जी जी, आपका पूरा ऑर्डर रेडी है सर। हाँ, फिर भी मैं एक बार चेक करा देता हूँ आपको। हाँ, रेड वाले 15 और वाइट वाले 3 डब्बे, और जो न्यू वाला आया है अपना वो फीमेल मास्क, जी जी जी, हाँ वो भी मैंने करा दिया है, वो 8 डब्बे करा दिए, क्योंकि लेटेस्ट माल है ना सर। जी सर, जी सर, और वो ओल्ड, हाँ ठीक है सर, वो भी करा दिया सर। ओके सर, नहीं नहीं सर, कल आपका माल टाइम से पहुंच जाएगा, मैं समझ रहा हूँ सर, समझ रहा हूँ। ठीक है सर, ओके ओके। हेलो हेलो, हाँ रश्मि बोलो। आलोक आलोक आलोक, तुम जल्दी आ जाओ, बाबूजी का पैर फिसल गया है। क्या? और उनके सिर पे चोट लगी है। कैसे? पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, और उनको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अच्छा, तुमने डॉक्टर को बुलाया? हाँ वो आए हैं, वो उनका चेकअप कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तुम उनका ध्यान रखो, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ आलोक। हाँ मैं जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आता हूँ। ठीक है। बाबूजी, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, आपको मेरे साथ चंडीगढ़ चलना ही होगा, वहीं आपका चेकअप होगा और वहीं आपका इलाज होगा। बेटा तुम तो खाम खाम में चिंता कर रहे हो, डॉक्टर साहब ने दवाइयाँ दी है ना, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। बाबूजी, आप इनकी बात क्यों नहीं मान लेते हैं, चले जाइए ना इनके साथ चंडीगढ़। अरे बहू, तुम समझ नहीं रही, मेरी आंखें ही तो गई है, और फिर मुझे क्या करना आंखों का, मेरी आंखों की रोशनी तो तुम सब हो। मैं जल्दी से ही दवाइयाँ खाऊंगा और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। बाबूजी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको भैया के साथ चंडीगढ़ चले जाना चाहिए। हाँ बाबूजी, मान जाइए ना, देखिए आप चंडीगढ़ चलेंगे ना तो आपकी तबीयत पहले से और अच्छी हो जाएगी, और भगवान ने चाहा ना तो आप बहुत जल्द देखने भी लगेंगे। देखो बेटा, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने दवाई दी है ना, अगर मुझे इससे आराम नहीं आया तो मैं तुम्हारे साथ चंडीगढ़ भी चलूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन देखो आपको मुझसे एक वादा करना पड़ेगा, आप दवाइयाँ जरूर टाइम से लेंगे, ठीक है? और रश्मि, तुम इनका अच्छे से ख्याल रखना। बाबूजी, मुझे आज ही वापस निकलना पड़ेगा, क्योंकि अरोड़ा जी का काम पेंडिंग छोड़कर आया हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। भैया वैसे आप इस चीज की चिंता ना करें, यहाँ पे बहू जी के लिए हम और भाभी हैं। चलो, सारा माल डिलीवर हो जाएगा, और एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। हेलो हेलो, हाँ रश्मि बोलो। मैं ये कह रही थी ना, ये खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ। कैसी खुशखबरी? अरे वो हमारी रामपुर वाली चाची है ना। हाँ हाँ, उनके यहाँ पोते ने जन्म लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, है ना? और उन्होंने हमें इनवाइट करा है, तो मैं ये पूछ रही थी कि क्या मैं जाऊँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चले जाना। अच्छा ठीक है, तो आलोक मुझे तुमसे कुछ मतलब मांगना था। क्या बोलो? मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं है। बताओ तो क्या बात है, बताओ। मैं ये कह रही थी ना, मुझे कुछ रुपए चाहिए। देखो रश्मि, देखो मना मत करना, मैं पहले बोल रही हूँ। अब तुम देखो, मैं मुझे वहाँ जाना है, तो मैं अपने लिए कुछ शॉपिंग करूँगी। अब उनके घर में पहली बार लड़की ने जन्म लिया है, उनके लिए भी कुछ लेके जाना है, इसलिए। देखो रश्मि, अभी अभी तो पिताजी का की दवाइयों में इतना पैसा खर्च हुआ है, और
तुम तो जानती हो ना, छोटे की पढ़ाई और पिताजी की दवाइयों का खर्चा, ऊपर से शादी का बर्डन। यार तुम तो खुद समझदार हो, तुम थोड़ा सा तो सोचो। नहीं ऐसा मत बोलो, उन्होंने बहुत मतलब बहुत प्यार से बोला है, अब हम नहीं जाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें। तो मना नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी यार मेरे पे अभी अभी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करो ठीक है, फिर कभी चले जाना। हेलो ऐसा मत बोलो। अच्छा मुझे मेरे बॉस बुला रहे हैं, मैं रखता हूँ। हेलो 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 अरे बाबूजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? बस तुम्हारी आवाज़ सुनी तो चला आया, अभी अभी आया था। चलिए आपको आपके कमरे तक छोड़ दूँ। ठीक है बाबूजी मैं चलती हूँ। अरे अरे चली कहाँ, रुको मेरा एक काम करो। जी बाबूजी। ये लो ये अलमारी की चाबी है, उसमें कुछ ज्वेलरी के और नकदी थोड़ी बहुत पड़ी है, उसे ले आओ। ठीक है। ये लीजिए बाबूजी। ले आई जी। इसे खोल के देखो। बाबूजी इसमें तो ज्वेलरी है। हाँ। किसकी है ये? अब ये सब तुम्हारी है। क्या सच में? हाँ और क्या, अब इस घर की मालकिन तुम हो। अच्छा दूसरा वाला डिब्बा भी खोलो। बाबूजी इसमें तो पैसे हैं। हाँ हाँ अभी तुम बात कर रही थी ना फोन पे, पैसे चाहिए, जितने पैसे चाहिए तुम इसमें से ले जाओ और अपने लिए अच्छा अच्छा सामान खरीद लाओ ठीक है? क्या सच में? और क्या सच में बाबूजी? हाँ हाँ जाओ। थैंक यू। ओह हाँ बेटा, मेरे को मेरी दवाई नहीं मिल रही थी तो मैंने तुम्हें आवाज़ भी लगाई, लेकिन तुमने सुना नहीं तो फिर मैं ही ढूंढते ढूंढते यहाँ चला आया। सॉरी बाबूजी, वो मैंने आपको मॉर्निंग में दवाई दी थी ना, तो मैं अपने साथ ही ले आई, मैं अभी आपको दवाई खिला देती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। ये ले ठीक है। अच्छा बेटा मैं चलूं? नहीं बाबूजी एक मिनट मैं आपको छोड़ देती हूँ, बस एक मिनट मैं साड़ी पहन लूँ ठीक है? अच्छा अच्छा। बाबूजी आपको अगर कोई चीज की जरूरत हो तो आप एक बार आवाज दे दो ठीक है? ठीक। आप खुद से ना आया करो। ठीक है बेटा ठीक है। आपको कुछ मतलब चोट लग जाएगी तो फिर आपको पता आलोक कितना डांटेंगे मुझे। नहीं मैंने आवाज लगाई थी लेकिन तुमने सुनी नहीं तो फिर मैंने सोचा मैं खुद ही चला जाता हूँ। नहीं कोई बात नहीं ठीक है बाबूजी, अब जब तक मैं ना हूँ तब तक आप किसी नियम पे बैठ से नहीं हिलोगे। ठीक है बाबू ठीक है। आइए। अरे बाबूजी आप अब तक सोए नहीं? हाँ बहू मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और विकास कहाँ है? वो अपने दोस्तों के साथ स्टडी के लिए गया है, वो कल सुबह ही वापस आएगा। चलिए मैं आपको आपके रूम तक पहुँचाऊँगी। ठीक है आइए। चल
और कुछ चाहिए बाबूजी आपको? नहीं। ठीक है। कुछ चाहिए? नहीं। तो बैठो बाबूजी। आप देख सकते हैं क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, आपका दिमाग खराब हो गया है। दिमाग तो मेरा उसी दिन खराब हो गया था जिस दिन मैंने तुझे पहली बार देखा था रश्मि, और फिर मैंने दिमाग लगाया एक बार मेरी हो जाओ। बाबूजी आपका दिमाग खराब हो गया, मैं आपकी बहू हूँ। रश्मि दिमाग तो मेरा उसी दिन खराब हो गया था जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, और मैं रोज मन ही मन घुटता रहता हूँ रश्मि, और मैंने तेरे दिमाग लगाया और मैंने वो सब कुछ देखा रश्मि जो देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता रश्मि। आज मौका भी है और हम दोनों अकेले हैं रश्मि, आज घर पे कोई नहीं है, आज हम बस एक बार रश्मि एक बार मेरा कहा मान लो रश्मि, तुम इस घर की रानी बन के रहोगी। तुम्हें मालूम है मेरे नाम कितनी जमीन है, मेरे पास कितनी दौलत है रश्मि, वो सब मैं तुम्हारे नाम करूँगा रश्मि, बस एक बार। तुम जानते हो मेरे अकाउंट में कितना पैसा है रश्मि, आज हम दोनों के बीच में रहेगा रश्मि, मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा रश्मि, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूँगा। सोच रश्मि तुम राज करती राज, रानी बन के रहोगी रानी। पिताजी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। बस ऐसे ही तुम प्यार करती रहो, वो बंगला भी मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, और कुछ ही दिनों में फार्म हाउस भी तुम्हारे नाम कर देंगे, और फिर हम ऐश करेंगे, ठीक है? हेलो। हाँ विकास बोल बेटा। भाई मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो बाबूजी और भाभी। हाँ बोल बोल। बाबूजी तो भाभी के विकास आके बोल आगे। हेलो भाभी। हेलो विकास। विकास बोल क्यों रहा? हेलो हेलो अरे वो तो अच्छा हुआ कि तुमने टाइम रहते हुए देख लिया, नहीं तो हम तो फंस ही गए थे। चलो ये मुसीबत तो टली, लेकिन इसका समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। समझ में खुला नहीं अब तक। आइए सर के साथ। इस मुसीबत का मैं बताता हूँ क्या करना है। बेटा तुम क्या कह रहे हो ऐसा? बेटा ये इंस्पेक्टर साहब, ये विकास का फोन है।
उसने मेरे को अपना पैटर्न बताया था, मैं भी दिखाता हूँ इनकी करतूत। ये देखिए ऐसा क्या है बेटा इसमें? इसमें तुम दोनों की अय्याशी का सबूत है। पिताजी आपसे उम्मीद नहीं थी। और रश्मि तुम अल्लाह गिरफ्तार कर दो, माफ कर दे बेटा, हमें माफ कर दे, गलती माफ कर दो, चलो थाने में। माफी तो तुम्हें अब भगवान ही करेगा। चलो बेटा, चलिए सर।